जैन, इस वीडियो में हम सीखेंगे डुअल स्टार्टर कैसे बनाया जाता है, डुअल स्टार्टर का कंट्रोलरिंग किस प्रकार किया जाता है और डुअल स्टार्टर बनाते समय किस किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले डुअल स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक कॉन्टैक्टर की जरूरत पड़ती है। ये कॉन्टैक्टर लेंगे, देखिए ABB का कॉन्टैक्टर है, ये 230 वोल्ट से ऑपरेट होगा। उसके बाद एक रिले लेंगे, देखिए ABB कंपनी का रिले है, इसका रेटिंग है 7.58 to 11 एम्पियर, यानी 7.5 एम्पियर से 11 एम्पियर तक इसका रेटिंग है। ये 9 एम्पियर का है, ये 9 एम्पियर का है। तो दो हुआ यहाँ पे, एक ABB का कॉन्टैक्टर लेंगे, कोई भी कंपनी का हो, एक रिले लेंगे, उसके बाद से दो पुश बटन लेंगे, एक NC एक NO। ये रेड जो है NC है, ये जो ग्रीन देख ले NO है। इसके बाद क्या कर लेंगे, देखिए इसके बाद एक MCB लेंगे कंट्रोलिंग के लिए। देखिए ABB का MCB है और इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, कंट्रोलिंग वाले किस प्रकार किया जाता है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर का कॉइल का, ये A2 है, ये न्यूट्रल का है। देखिए यहाँ फेस A1, ये फेस का है और न्यूट्रल का। देखिए ये फेस सप्लाई है, ये न्यूट्रल सप्लाई है और एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ भी दिया गया है। यानी कॉन्टैक्टर जैसे ये कॉन्टैक्टर किस लिए यूज करते हैं, इसका कंट्रोल क्यों करते हैं, अगर 3 फेज का इंडक्शन मोटर अगर हम MCB से चलाएंगे डायरेक्ट तो इसको ऑन करने से यहाँ से सप्लाई आ जाएगा, मोटर रन हो जाएगा, बट ओवर वोल्टेज होगा तो ट्रिपिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके लिए हमको इसलिए कॉन्टैक्टर यूज किया जाता है, कॉन्टैक्टर के साथ रिले यूज किया जाता है। और यहाँ पे कॉन्टैक्टर तो हम मैनुअल यहाँ से ऐसे ऑपरेट नहीं कर सकते, इसके लिए यहाँ पे फेस और न्यूट्रल सप्लाई देंगे तो कॉन्टैक्टर क्या होगा, अंदर में मैग्नेट कारण ये चिपक जाएगा, जिसके कारण से सप्लाई जो यहाँ देंगे ये सप्लाई यहाँ से NC होकर यहाँ आ जाएगा। अभी NO है, जब ये चिपकेगा NO हो जाएगा, NC हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक NO है इस, और ये RYB फेस सप्लाई देंगे और ये होल्डिंग के लिए दिया गया है। अगर होल्डिंग के लिए यहाँ पे NC रहता है, इसके लिए अलग से हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लेते हैं। देखिए ऑक्सिलरी ये है, इसको यहाँ पे हम लगाते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ 3 स्क्रू, इसको खोलने के बाद इसको यहाँ पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे, देखिए इसको यहाँ पे लॉक करेंगे, देखिए ये लॉक हो गया। इसके बाद से क्या करेंगे, इसको फुल टाइट कर देंगे। देखिए यानी यहाँ पे RYB सप्लाई जो यहाँ सप्लाई देंगे, ये सप्लाई जब ये NC होगा ऑपरेट होगा तो यहाँ सप्लाई का यहाँ से ये सप्लाई यहाँ आ जाएगा और यहाँ से ये मोटर में सप्लाई चला जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 95, 96 है और 97, 98 है। 97, 98 ANO है और NC है, तो हम कंट्रोलिंग के लिए NC टर्मिनल यूज करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे कम एज का कनेक्शन हो गया, रिले से कॉन्टैक्टर का कनेक्शन हो गया। अब क्या करना है, MCB लेना है, MCB से फेस सप्लाई MCB में देना है, MCB से क्या करना है, NC होके NO होके कॉन्टैक्टर में सप्लाई होगा, उसके साथ इसमें होल्डिंग करना सीखेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसमें कैसे इसका कनेक्शन करेंगे देखना होगा। सबसे पहले एक फेस वायर लेंगे, फेस वायर को क्या यहाँ कनेक्शन करेंगे, MCB के ऊपर या नीचे कहीं भी इसका कनेक्शन कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट कहीं भी दे सकते हैं, कहीं से भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में इसका कनेक्शन कर देंगे। ओके, ये फेस सप्लाई हो गया और इसको जाके बोर्ड में सप्लाई दे देंगे, जहाँ से मेन इसका सप्लाई लेंगे, इसका सप्लाई बोर्ड में चला गया। देखिए फोन करते ही यहाँ सप्लाई आ जाएगा, देखिए यहाँ सप्लाई आ गया। उसके बाद से देखिए यहाँ सप्लाई आ गया, इसको ऑफ करेंगे, यहाँ से सप्लाई कट हो गया। देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको कनेक्शन यहाँ देंगे, अगर इसको हम डायरेक्ट कॉन्टैक्टर में देंगे तो कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन कॉन्टैक्टर में डायरेक्ट नहीं देना, हमको ये NONC यूज करना है, क्योंकि इसको हम मैनुअल नॉर्मली इसको ऑन कर सकें, इसको ऑफ कर सकें। इसके बाद देखिए इसको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसका कनेक्शन यहाँ पे देना है, यहाँ इनपुट आया, यहाँ आउटपुट निकालेंगे MCB से आउटपुट निकालेंगे। देखिए ये इनपुट आउटपुट, इसके बाद यहाँ से इसको कनेक्शन देना है कहाँ पे, देखिए 95 है, रिले का 95 टर्न बना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 95 और 96। इसको यहाँ पे ओपन करेंगे इस ग्रुप को, उसके बाद इसको यहाँ पे 95 में दे देंगे। इसको फुल टाइट करेंगे ताकि ये लूज ना हो। देखिए सप्लाई, देखिए कहाँ से अभी कहाँ तक आया, देखिए बहुत से आपको वीडियो में मिलेगा सीखने, ये सप्लाई डायरेक्ट NC में देते हैं, NC के बाद इसमें ले जाते हैं, नहीं गलत हो, ये टेक्निक सही है, रिले से होकर लाना है, आपको डायरेक्ट इसमें नहीं देना है।
बहुत बंदे क्या करते हैं, यूट्यूब वीडियो में यहाँ पे डालते हैं और यहाँ से निकाल के यहाँ देते हैं, यहाँ से निकाल के, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे सप्लाई देना है। और यहाँ से निकलने के बाद क्या करेंगे, देखिए ये 95 है, उसके बाद 96 से इसका आउटपुट निकालेंगे। देखिए ये 96 है, इससे आउटपुट यहाँ से निकालेंगे। अब 96 से निकालने के बाद क्या करेंगे, पुश बटन का एनसी टर्मिनल में देंगे इनपुट। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फुल टाइट कर देंगे। बहुत ईजी डुअल स्टार्टर बनाना। इसके बाद हम सीखेंगे डुअल स्टार्टर के बाद स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड। ओके, इसके बाद इसमें से सप्लाई हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे, एनओ में ले जाएंगे। एक वायर का टुकड़ा लेंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब इसको कनेक्ट करेंगे इसमें, इस एनओ से। यहाँ पे डबल इसलिए लिया गया कि ये गिरे नहीं, बैलेंस बनाने के लिए। यहाँ सिंगल लगता है एनओ से, यहाँ डबल दिया गया। देखिए इसको यहाँ से फुल टाइट कर देंगे। यानी सप्लाई 95 से 96 होके यहाँ तक पहुँचा है, एनओ का इनपुट तक गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक रेड वायर लेंगे। ये सब फेस ही देख रहे हैं, रेड जो देख रहे हैं फेस वायर है। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक आउटपुट यहाँ से वायर निकालेंगे, इसके यहाँ कनेक्शन करेंगे आउटपुट। अभी आउटपुट क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्टर के A1 A2 है। देखिए A1 A2 है, तो इसमें न्यूट्रल जाएगा, इसमें फेस जाएगा। देखिए यहाँ तक इसका कनेक्शन हो गया है, यानी इसका भी होल्डिंग नहीं हुआ। जब जब इसको हम ऑन करेंगे, यहाँ पे अभी न्यूट्रल देना बाकी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूट्रल देंगे। देखिए ये A2 है, यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्शन कर देंगे। ब्लैक जो वायर देख रहे हैं न्यूट्रल का वायर है। ये डायरेक्ट देखिए, ये जो ब्लैक देख रहे हैं ये न्यू फेस है, ये फेस है। MCB से होके आया, इसमें से होके आ गया। अब इसको हम ऑन करेंगे। देखिए ऑन करते ही सप्लाई यहाँ तक आ गया। देखिए देखिए इसको ऑन करते सप्लाई यहाँ आ गया। अब जब जब इसको हम प्रेस करेंगे, ये ऑफ करने के लिए मोटर को ऑन करेंगे। जब इसको ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। देखिए देखिए ऑन हो गया, बट ये होल्डिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इसको जब तक प्रेस करेंगे तब तक ये ऑन होल्डिंग हो रहा है। छोड़ने के बाद ये होल्डिंग नहीं हो रहा है। इसको क्या करना, होल्डिंग जैसे एक बार हम इसको प्रेस करें होल्डिंग हो जाए, जैसे जब इसको हम प्रेस करें तो ऑन हो रहा है, ऑपरेट है। देखिए इसको छोड़ रहे हैं, ये बंद हो जा रहा है। तो हमको क्या करना है, इसको प्रेस करते ही ऑन हो जाए, यानी इसको हम बार बार दबाना ना पड़े, एक बार दबने से ये होल्ड हो जाए। देखिए इसको प्रेस करके रखना पड़ रहा है, कंटिन्यू हाथ यहाँ रखना पड़ रहा है। देखिए इसको होल्डिंग करने के लिए कहाँ से करना होगा होल्डिंग कनेक्शन, तो सबसे पहले इसको ऑफ कर देंगे। और इसका देखिए होल्डिंग करने के लिए आप इसका यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, यानी NC के बाद या NO के पहले। यहाँ से लेंगे तो होल्डिंग नहीं होगा, यहाँ से लेंगे तो पावर कट। यहाँ से होल्डिंग लेना है और इस NO में देना है, और NO से यहाँ से क्या करना है, होल्डिंग यहाँ से यहाँ लूप कर देना है। तो आइए इसका होल्डिंग हम करते हैं, उसके बाद ये होल्ड हो जाएगा, कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। तो होल्डिंग करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक ग्रीन कलर वायर उठाएंगे यहाँ, क्योंकि रेड ऑलरेडी है। यहाँ कलर चेंज कर लेंगे, कोई भी कलर ले सकते हैं, रेड भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे क्या किए हैं, ग्रीन कलर का वायर लिए हैं। अब इसको हमको यहाँ यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, हम कहीं भी इसका कनेक्शन कर सकते हैं। ये होल्डिंग का है, जो ग्रीन वायर है ये होल्डिंग का है, इसको यहाँ पे कनेक्शन करना। देखिए अब इसको यहाँ पे फुल टाइट कर देंगे।
हो गया। अब इसको क्या कनेक्शन करना है, देखिए ये एनओ है, ये एनओ में कनेक्शन करना है, ये होल्डिंग के लिए यूज करना है। ये जो पहला तीन है आर वाई बी का है। इसके बाद यहाँ पे फुल टाइट कर देंगे। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लूप करना है। अगर लूप नहीं करेंगे तो होल्डिंग नहीं होगा। तो एक और टुकड़ा लेंगे, ग्रीन ही टुकड़ा लेंगे। देखिए अब यहाँ से यहाँ पर लूप करेंगे। देखिए ये लूप हो गया। अब इस लूप को ये फेज के साथ जो सप्लाई आएगा इसमें हम इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देंगे, यानी ये न्यूट्रल हो गया, ये फेस हो गया। फेस जो आया डायरेक्ट नहीं आया, फेस यहाँ से स्विच से होकर कंट्रोलिंग हो गया है। देखिए अब इसको हम ऑन करेंगे। इसका वायरिंग बहुत ईजी है। देखिए होल्डिंग का वायर है ग्रीन वाला, ये ऑफ है, ये ऑन है। देखिए देखिए ये ऑन हो गया, इसको प्रेस करना नहीं पड़ रहा। देखिए ऑन हो गया है, ये ऑफ हो गया, देखिए ऑन हो गया। यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाएंगे, ठीक है। इंडिकेटर लगाने से क्या होगा, पता चलेगा हमारा स्टार्टर ऑन है या ऑफ है। कॉन्टैक्टर को देखिए यहाँ देखने की जरूरत पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए इसको ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। अगर ट्रिपिंग होगा तो देखिए यहाँ से ट्रिप होगा तो यहाँ से रिसेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एम्पियर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये एम्पियर है, जैसे अभी देखिए 9 एम्पियर पे है, 10 एम्पियर, 11 एम्पियर, यानी इस पर 11 एम्पियर हम लोड दे सकते हैं। तो जितने एम्पियर का मोटर रेटिंग है उसके अनुसार रिले लगाया जाता है। देखिए ऑन है, ये ऑफ है। अब इसमें क्या करना है, इसमें इंडिकेटर लगा हुआ है, इसका कनेक्शन करना है। इंडिकेटर के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे जो इसका आउटपुट गया है यहाँ से एक वायर का लूप करेंगे। देखिए और यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देंगे। देखिए और खोलेंगे थोड़ा, यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देंगे। और इसका कनेक्शन जो है यहाँ पे लाएंगे। देखिए ये यहाँ पे इसके अंदर इंडिकेटर लगा हुआ है, 220 से ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे फेज सप्लाई दे देंगे। अब यहाँ पे एक न्यूट्रल भी चाहिए, तो किस में न्यूट्रल भी देना होगा। एक न्यूट्रल वायर लेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे। अब इसको यहाँ पे फुल टाइट कर देंगे। देखिए न्यूट्रल वायर हो गया। इसके बाद इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। देखिए इसको देखिए यहाँ से ऑन हो गया, ये ऑफ, ये ऑन। यहाँ पे इंडिकेटर लग गया। देखिए ये भी ऑपरेट हो जा रहा है, होल्डिंग भी हो रहा है। देखिए देखिए ये ऑन का है, ये ऑफ का है। देखिए इसको यहाँ ट्रिप करेंगे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। देखिए ये ट्रिपिंग का है, ये ऑफ है, ये ऑन है। देखिए ऑफ हो गया, देखिए ऑन हो गया। जब ये इंडिकेटर जलेगा यहाँ से भी ऑन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से जो सप्लाई देंगे यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा और मोटर ऑन हो जाएगा। अगर ज़्यादा एम्पीयर मोटर लगेगा तो यहाँ से ट्रिप कर जाएगा। देखिए इसका कनेक्शन बहुत ईजी है। फेस यहाँ आया सबसे पहले, और यहाँ से आने के बाद फेस क्या है, 95 में गया है, और 95 से 96 में आके यहाँ पे सप्लाई आया, और यहाँ से आके यहाँ पे गया है सप्लाई। देखिए और यहाँ से होकर डायरेक्ट कॉन्टैक्टर का A1 में गया सप्लाई। और होल्डिंग के लिए जो ग्रीन वायर देख रही है, होल्डिंग का वायर है। और इंडिकेटर में एक न्यूट्रल दिया गया है, और यहाँ पे फेस लिया गया है, और कॉन्टैक्टर में भी एक न्यूट्रल दिया गया है। बहुत ईजी डुअल स्टेप। इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है, इसमें टाइमर लगा के यहाँ पे दो और कॉन्टैक्टर लेके हम डुअल स्टार्टर स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर जो हम यूज करते हैं आराम से कर लेंगे यहाँ से। देखिए ये ट्रिप हो गया, ये ऑन हो गया, यानी यहाँ तक डुअल स्टार्टर होगा। इसके नेक्स्ट इसके जस्ट एक टाइमर लगेगा, दो और कॉन्टैक्टर लगेगा उस जिसमें यहाँ पे एनओ यूज हुआ है, वहाँ पे एनसी यूज होगा। वहाँ से क्या होगा, आप एक मोटर को जो बड़ी एचपी की मोटर होती है, ज़्यादा होती है, जो 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200 एचपी की मोटर होती है, उसको स्टार्ट डेल्टा में चलाया जाता है। इसलिए पहले मोटर को स्टार्ट में चलाया जाता है, फिर डेल्टा में चलाया जाता है। यहाँ से मोटर डुअल स्टार्टर में चलाया जाता है, यानी डुअल मतलब डायरेक्ट
ऑनलाइन डायरेक्ट ऑनलाइन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। डुअल स्टार्टर बनाना बहुत ईजी है, और इंडिकेटर है, एक ट्रिप का भी इंडिकेटर इसमें लगा सकते हैं, यहाँ से ट्रिपिंग ले सकते हैं। और रिले ट्रिप हुआ तो यहाँ पे इंडिकेटर जल जाएगा, ये ऑन है ये ऑफ है। देखिए अगर पावर कट जाए तो क्या होगा, मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, फिर दोबारा पावर आए तो मोटर को स्टार्ट करना होगा। जस्ट देखिए यहाँ से इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो गया, फिर इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से ऑन नहीं होगा, हमको खुद मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ से पावर कट दे तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ये देखिए।